Very warm good evening, my lovely kids. This is Dr. Mani here on behalf of Vedanta Biotronic. I welcome you. आज का सेशन होने वाला है लेजिट लिट, क्योंकि आज के सेशन में होंगी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज. पहली चीज जो मैं करने वाली हूँ, पैंक्रियास के एक बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग ऑपरेशन ऑब्लिक डिजीज की बात करने वाली हूँ, जो स्टीव जॉब्स को हुई थी. जब मैं पैंक्रियास कराऊंगी आप लोगों को वो मुझे याद दिलाना है कि क्यों पैंक्रियास की इमेजिंग इतनी डिफिकल्ट है और कैसे एप्पल के फाउंडर का पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम भी इतना लेट डिस्कवर हुआ. सो दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई स्टार्ट पैंक्रियास. प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा, इट इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग. और आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टोरी भी बताने वाली हूँ, विच आई एम गोइंग टू डू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक बीच में और एक सेशन के एंड में आएगी, तो टिक कर बैठना है और सुपर अमेजिंग सेशन लेना है. पहला पैंक्रियास और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं अपनी लाइफ की आपको सुनाने वाली हूं. लेजिट लिट ओपी सेशन होने वाला है और एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क भी आपको मिलने वाला है. राइट, चलिए आगे बढ़ते. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कनाल पार्ट 3 में आपको करवा रही हूं आज. लेट अस गो अहेड, इट्स गोइंग टू बी अ सुपर अमेजिंग क्लास. बट क्लास में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आज की क्लास भी हाइब्रिड होगी. दैट मींस मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ में कराऊंगी. क्लास के बाद मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स दूंगी जो मैं आपको रोज देती हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. डोंट गो एनीवेयर, यू हैव टू सी देम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटी क्विज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द पैंक्रियास की इमेजिंग. रियल लाइफ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में कुछ मेडिकल चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. प्लीज मुझे कल की तरह याद दिलाते रहिए ट्रेकियोस्टोमी. और कल का आंसर था इलेक्टिव ट्रेकियोस्टोमी, जो सारे बच्चों ने सही दिया है. आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो एवरीबडी हैज टू राइट लेजिट लिट इन द कमेंट सेक्शन. क्या लिखना है आपने कमेंट सेक्शन में? लेजिट लिट. एग्जैक्टली, कल के सवाल का आंसर था इलेक्टिव. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ. देखिए बच्चों, आप 11th में आ गए हैं तो ऐसे स्लोली हमें ऊपर बढ़ना है. डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाली हूँ. तो स्लोली स्लोली हमें आगे बढ़ना है, स्लोली स्लोली हमें ऊपर बढ़ना है. सो एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है. आई रिपीट, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है. प्लीज कोशिश कीजिए कि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो. रैंक चाहिए, डॉक्टर बनना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th का, तो एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए. नॉट इवन वन सिंगल लेक्चर. मुझे प्रॉमिस कर दो कि मैम एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे. चलिए फटाफट लेट्स मूव अहेड और आज की क्लास को शुरू करते हैं. माय नेम इज डॉक्टर वानी. आई हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट टीचर. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो मी, एवरीडे 5 PM वी हैव अ क्लास, 11th क्लास, एंड आई हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट टीचर एट द नेशनल टीचर्स कॉन्क्लेव back to back 2017, 2018, 2019. But in 2020 we had COVID. I also really want to know who got the best teacher award in 2020. I am the head of department of biology. I head the complete medical division at Vedantu. I come with over 10+ years of continuous teaching experience, having mentored lakhs of students in thousands of NEET selections. I am the oldest master teacher in the medical division of Vedantu. So started the medical division at Vedantu, been working with the founders of Vedantu for over 10 years now. Right? Daily 11th ki class at 5 PM, daily 12th ki class at 9 PM, and NEET 2021 sharp at 10 AM. 11th moving to 12th, aaj main unka DPP discuss kar rahi hu. So DPP solve karna bahut important hai. राइट, कल परसों में मैं आपका भी डीपीपी डिस्कस करूंगी. इज दैट क्लियर? तो डेली डीपीपी सॉल्व करिएगा. डीपीपी को मैं मेंटी के फॉर्म में आज पूरा डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी डिस्कस करूंगी. टॉपिक वाइज डीपीपी बनाकर आपको दी जा रही है. राइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मॉक टेस्ट आ रहा है इस सैटरडे, और वन शॉट बिग सीरीज एवरीबडी वॉन्टेड इट. Handmade notes on botany, transport and plants starting from Monday at 10 AM. Yes, Monday 10 AM से handmade notes series शुरू कर रहे हो. आपको भी कराऊंगी. I will write everything with handmade notes. Right? So आपको one page notes, everything you will do it with me. Correct? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. 30 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एनटी के मैं कल करा रही हूं. प्लीज स्टे सेफ, वेयर मास्क, डबल मास्क ऑन. सो स्टे सेफ, वेयर मास्क. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. प्लीज वेयर मास्क, प्लीज. इट्स माय अर्जेंट रिक्वेस्ट टू यू, डोंट गो आउट विदाउट वेयरिंग मास्क. वेयर मास्क. एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्सेसरी ग्लैंड्स कल कराऊंगी. मे बी मंडे को आपका डीपीपी डिस्कस करूंगी मैं. ठीक है जी, चले आगे. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू लेक्चर नंबर 5. डीपीपी डिस्कस करने के बाद
tomorrow at 9 p.m. Make sure each one of you is liking, make sure each one of you is sharing, make sure each one of you is subscribing. You're all becoming a part of We Biotonic. Do that. Have you all become a part of We Biotonic? मुझे तो नहीं दिख रहा, 1300 बच्चे मेरी क्लास में हैं और 560 लाइक है, मतलब ब्लैक हार्टेड बच्चे आ गए. गाइस, वन लाइक फॉर योर वानी मैम, वन लाइक फॉर योर फेवरेट चैनल. मेक श्योर यू लाइक, दैट्स योर अटेंडेंस इन माय क्लास. मेक श्योर यू आर बेल आइकॉन प्रेसिंग सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयरिंग इट विद एवरीबॉडी इन नीड. टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बायोटॉनिक फॉर नीट और बिकम अ पार्ट. टेलीग्राम में जाकर मुझे ढूंढ लीजिए एट वानी सूद. मैंने अभी एक वीडियो बनाया था गाइस, अगर आपको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है मेरे को मैसेज आते हैं मैम कंप्यूटर भेज दो, लैपटॉप भेज दो. राइट नाउ शायद वानी मैम आपको कंप्यूटर लैपटॉप ना भेज सके, पर 5 किलो चावल जरूर भेज सकती है, 2 किलो आटा जरूर भेज सकती है. सो सच में अगर बहुत बुरा स्टेट है, राइट टू मी, आई विल एटलीस्ट आटा दाल चावल ब्रेड ये जरूर कर सकती हूँ. दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन डू. इट्स नॉट बफरिंग, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. आ जाइए बच्चों, आ जाइए एलिमेंट्री कनाल पे. कल की क्लास हमने एग्जैक्टली यहां खत्म करी थी. कल की क्लास जब मैं खत्म कर रही थी, व्हाट वर द 3 टाइप्स ऑफ फैरिंग्स? ओरो, नेजो, लैरिंगो. डिड वी डू दिस? यस मैम. राइट, ओरो, नेरो, लैरिंगो. वॉल्टियर्स रिंग के पास क्या होते हैं? सपना, वशिष्ठ, आंचल, यशवी, हेली, चक्रवर्ती, शमती. बताइए, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द वॉल्टियर्स रिंग? डू यू रिमेंबर ट्यूबल टॉन्सिल? डू यू रिमेंबर लिंगुअल टॉन्सिल? डू यू रिमेंबर पैलेटाइन टॉन्सिल? वी डिड द टॉन्सिल्स. डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ वी शेप थिंग कॉल्ड? व्हाट इज अ वी शेप? देखते हो सबसे पहले कौन आंसर करता है? वी शेप लाइन ऑन द टंग, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? लेट मी सी द फर्स्ट वन हु आंसर्स अ वी शेप लाइन. Sulcus terminalis answer aa chuka hai, and the first one to do is Saransh, my beta Saransh, right? Jo kal ka menti chhod ke bhag gaya tha, Saransh tum pakde gaye. Kal ka menti chhod ke bhage the, mujhe pata hai tum menti nahi khel rahe the kal, right? Sulcus terminalis, circumvallate papilla. We've done all of this, given you on my screen right now. Let's move ahead. Esophagus, to aa jao esophagus pe. Ye raha aapka esophagus, right? Aur ye raha stomach. अब इस ईसोफ देखो बेटा, स्फिंक्टर क्या होता है? पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस. आज की क्लास नेक्स्ट लेवल एपिक है, और मेरे को आपको पैंक्रियास के बारे में भी बताना है, लिवर के बारे में बताना है, कुछ बहुत अमेजिंग पैंक्रियास और लिवर के बारे में बताने वाली हूं. राइट सारा, चलो अभी ध्यान से सुनो, एवरीबडी ध्यान से सुनो. देखो बेटा, मसल अगर राउंड होगी, अगर मसल राउंड होगी, और अगर मसल राउंड होगी, आई एम गोइंग स्लोली सो दैट यू कैन मेक नोट्स विद मी. यू विल ऑल्सो गेट द क्लास नोट्स, यू कैन राइट देम डाउन. वी आर टेकिंग अ स्लो डेप्थ डिटेल्ड लेक्चर. आई रिपीट, वी आर गोइंग स्लोली, वी आर डूइंग इन डेप्थ, वी आर टेकिंग अ डिटेल्ड लेक्चर. अगर मसल राउंड होगी, कैन यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड द मसल लाइक दिस? राउंड मसल तो ऐसे ही काम करेगी. दिस मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, एनी मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड लाइक दिस राउंड मसल इज रेफर्ड टू एज अ स्फिंक्टर. सो इज स्फिंक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल ऑफ यू, इज स्फिंक्टर अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल और अ राउंड मसल? इज इट अ राउंड मसल और इज इट अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल? A longitudinal muscle can do like this, but this is the action of a circular muscle. So it is a circular muscle. Now, in the esophagus, there are 2 sphincters. Is that clear? Now, in the esophagus, there are 2 sphincters. This is sphincter number 1, and this is sphincter number 2. They are round muscle. The top one on top is the upper esophageal sphincter, and the bottom one is referred to as the lower esophageal sphincter. So top one, is it between pharynx and esophagus? Is the top one between pharynx and esophagus? Is the top one between pharynx and esophagus? Right, pharynx and the esophagus, the round one, movement of food, yes. And the lower one is between the esophagus and the stomach, from the esophagus to the stomach. So what are the 3 or 4 questions which come on esophagus? Let us record it. And guys, the best content is Tattva, where you will get 14 books, but Tattva is only available Resaza. With the long-term classes, it is not available on Flipkart or Amazon or any source.
So there are four questions which come on esophagus. Question number one, it is a smooth muscle, it is not under your control. Question number two, what type of movement? Peristalsis. Question number three, upper esophageal sphincter, which is present between the pharynx and esophagus. Question number four, you have the lower esophageal sphincter. 4 points clear, everybody. Pin drop, silence in my class. 1, 2, 3, 4. Smooth muscle, peristalsis, upper esophageal sphincter, and lower. And the food which is moving is called the bolus, which is moving between the food pipe, which is called the sphincter. Done, mere bachcho, every single one. Am I right here? Perfecto, the giletto, the villetto. Let's come to the snapshot. These are very important. I want you to write this down on a small yellow page on your NCERTs. Small yellow page. The conversion of complex food into simple, absorbable form is called digestion. Two methods. Please, quick recap. After every few slides, there will be a recap. Mechanical and biochemical methods. Done? Yes, ma'am. There are alimentary canal and glands. Inki main baat karungi, especially pancreas or liver. Main bahut detail mein padhaungi with a lot of extra information and storytelling. Bahut important hai. Sabse important hai mouth. Mouth ki cavity ko hum buccal cavity kehte hain. Isme teeth aur tongue hote hain. Bahut important hai. Jaw bone mein jo daant honge, bone mein theko dot kehlayenge. Two sets honge. Revise karo kal ka, revise karo. Notes open karo. Do set honge diaphyodont. और चार डिफरेंट टाइपों के इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर, मोलर, जिसे कहा जाएगा हेटीरोडोंट, राइट? फैरिंग्स होगा, वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, वेरी इंपॉर्टेंट. पिन ड्रॉप साइलेंस. अब लिखो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट्स में. अगर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ नेजो फैरिंग्स, ओरो फैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंक्स, देखते हैं कौन मेरा सबसे पहले आंसर करता है, उसको आज मैं एक हैंडमेड नोट भेजूंगी. ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स और नेसोफैरिंक्स, किसमें फूड और एयर दोनों होते हैं? चलो बताओ. एक्सलेंट जनवी, माय फेवरेट गर्ल. कॉमन पैसेजेस, ओरोफैरिंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. अब क्लास थोड़ी आगे हीटअप होने वाली है, बढ़ने वाली है. अब कोई भी बंक नहीं करेगा, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और जो फ्लैप होता है, कार्टिलेज का फ्लैप, कौन सा कार्टिलेज होगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कौन सा कार्टिलेज होगा बताओ? इलास्टिक कार्टिलेज. इजी तरीका देती हूं याद रखने का, ई, इलास्टिक एपिग्लॉटिस, याद करिए, ई, ईयर एपिग्लॉटिस इलास्टिक, ई, ये प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप. विंड पाइप की एंट्री है ग्लॉटिस, फूड पाइप की एंट्री क्या है? डुम्मी, गलेट, डुम्मी, याद आ रहा है? डुम्मी, राइट एवरीबडी? परफेक्टो, गलेट. चले आगे, ऑसम ब्लॉसम. पैंक्रियास में आने वाले सारी चीजों पे आने वाले. चलो अब आ जाओ स्टमक पे. स्टमक नेक्स्ट 15 मिनट्स, टू एमसीक्यूज, वन मेन क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट? डीपीपी में आंसर नहीं दूंगी, डीपीपी को मैं मेंटी के फॉर्म में डिस्कस करूंगी. पिन ड्रॉप साइलेंस, हार्ट बना दो स्क्रीन पे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अभी के अभी. चलो जल्दी, डुमीज, कम ऑन एवरीबडी. पिन ड्रॉप साइलेंस डन. आ स्टमक इंपॉर्टेंट, थिक वॉल है, जे शेप्ड है. स्टमक की शेप क्या है? थिक वॉल है, जे शेप्ड है, राइट? इट इज थिक वॉल्ड, इट इज जे शेप्ड, थिक वॉल्ड, जे शेप्ड ऑर्गन, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट. द लिवर इज ऑन द राइट साइड, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड. सो द लिवर, दिस इज द स्टमक. लिवर इज ऑन द राइट साइड, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, बिलो द डायफ्राम. इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर ये डायफ्राम के नीचे है तो स्टमक किससे कनेक्ट होगा? ईसोफेगस. कौन आएगा स्टमक तक? इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इस लाइन को मैं डीकोड कर रही हूं आपके लिए. तो ईसोफेगस किसको पार करता हुआ आएगा? ईसोफेगस इज गोइंग टू रप्चर, पंक्चर व्हाट? किसको पार करेगा? ये बीच में कौन है? इट इज द
diaphragm. So is the esophagus going to come through the diaphragm? That's a very important answer. It's going to puncture the diaphragm. Ye aapke dimag mein bilkul baith jana chahiye. It's going to store food. It is going to initiate the digestion of protein. Please remember, the mouth is going to initiate the digestion of starch, which is nothing but carbohydrate. Please remember these. Please write them somewhere. Whereas the stomach is going to initiate it for proteins. It controls the movement of food. That means यहाँ पर एक स्फिंक्टर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंट्रोल कर रहा है. इस स्फिंक्टर को जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, इसे कहा जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर. क्या कहा जाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर. इज दैट क्लियर? पाइलोरिक स्फिंक्टर. एवरीबडी ऑन माई स्क्रीन. पाइलोरिक स्फिंक्टर डन. Right, everybody? Chaliye, let's move ahead. We are understanding every word, every line. No talking, pin drop silence. Very important clause. Please make notes. Speed bahut slow hai. Aaram se padhiye, dhyan se padhiye. Stomach consists of four parts. It has four main regions. Jo top region hai, ye close to heart hai. Top hai, upar, upar kaun hai? Heart. तो क्योंकि ये हार्ट के पास है, ये आपका हार्ट है और ये स्टमक है. तो टॉप पोर्शन इज क्लोज टू द हार्ट. टॉप पोर्शन इज वीजीटी का नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है बेटा, आ रहा है डांस. विच आई एम वेरी बैड एट. जिस भी चीज में वाणी मैम बुरी है, लाइक सिंगिंग डांसिंग, सबसे पहले वीजीटी का नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है. पर कल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इस सैटरडे कुछ बहुत गजब आने वाला है. आपको पता है मैं टीचिंग छोड़ने वाली हूँ. डू यू नो दिस? आई एम गोना स्टॉप टीचिंग. मतलब मेरा आई एम वेरी अपसेट about something and I want to stop teaching. Saturday ko bataungi. Mujhe kuch bahut bura laga hai, bahut zyada bura laga hai, to main teaching chhodne wali hu. Aur ye dikh raha hai aapko? Vani ma'am will not teach anymore. Dikh raha hai? Ye Saturday ko le rahi hu main 5 baje, kyunki aap mere sabse young bacche ho, chote wale, aapko batana bahut important hai. तो ये मैं सैटरडे को ले रही हूँ. मुझे कुछ बहुत ज्यादा बुरा लगा है. बताऊंगी सैटरडे को, मिलने पे बताऊंगी. टेंशन ना लो, आई विल टेल यू. सैटरडे को बताऊंगी, सैटरडे को 5 बजे. अभी ध्यान दे दो. सो कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट. स्टमक हैज फोर मेन रीजन्स. कार्डियक व्हिच इज द टॉप पार्ट, राइट? सो दिस इज द कार्डियक. मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ. दिस इज द कार्डियक. यहां पर बनाती हूँ ये. दिस इज द कार्डियक, द टॉप पार्ट. जो ये डोम शेप का है, डोम 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 डोम, ये डोम शेप, डोम गुंबज, गोल गुंबज, बीजापुर का गोल गुंबज, द डोम शेप, दैट इज कॉल्ड द फंडस. द डोम शेप इज कॉल्ड फंडस. पिन ड्रॉप साइलेंस. इज इट क्लियर? द डोम शेप इज कॉल्ड फंडस. तुसी ना जाओ, कुछ बहुत डिफरेंट है, आपको आकर देखना पड़ेगा. मेरा मन थोड़ा खट्टा हो गया है, मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. अगर फिर भी आप कहोगे मैम मत जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? पर सैटरडे को मिलके बात तो करें. डन, ठीक है? सैटरडे सैटरडे ऑल ले ले. देखो पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है, पर कुछ मेरे को मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आप लोगों से एटलीस्ट बात तो कर सकती हूँ कि मेरे को क्या बुरा लगा है. ये सुनो, प्रैंक नहीं है, प्रैंक मत करो, कर बात तो कर सकती हूँ कि नहीं? बात भी नहीं करने दोगे? बताओ अभी यार. ये देखो, मैंने बना दिया थंबनेल. अब तो बात तो करेंगे ना, फिर ही तो बात करेंगे, तो ही तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा. अरे बच्चों, है ना डर? तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैं एक प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? अगर प्रैंक भी है तो प्रैंक देखने तो आओगे. पर देखो, आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस. प्रॉमिस तो आपको किया है, वो भी 2 साल का, तो वो भी नहीं तोड़ूंगी. पर कुछ तो है जो मेरे को बुरा लगा है, तो उस बात को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. डन, ठीक है? यस. अच्छा चलो, प्रैंक है. अब क्या प्रैंक है ये देख लेते. प्रैंक है, चलो प्रैंक. और ले ले, मेरे बच्चे सेंटी हो गए. चलो प्रैंक है. अब क्या प्रैंक है ये तो देख ले. यस, ठीक है, ओके, हैप्पी. I will teach you for
2 years. Promise. Happy? और मैंने कोई फिंगर क्रॉस नहीं किए, देख लो. राइट हैंड प्रॉमिस डन. हैप्पी? ठीक है, अभी मुस्कुरा दो. ऐसे मुस्कुराओ. चलो आगे बढ़ो. चलो चलो चलो, थप्पड़ खा जाओ. चलो चलो चलो. अरे पढ़ा रही हो 2 साल तक. हैप्पी गो लकी. ठीक है चलो आ जाओ पढ़ते हैं. ठीक है कुछ तो प्रैंक है, तो क्या प्रैंक है वो भी तो देखेंगे ना. बड़ा मजा आएगा कुछ तो यार. बड़ा मतलब ऐसा ऐसा होगी. मैं इसलिए पढ़ा रही हूं, मैं ये कर रहे हैं ऐसा कुछ. बड़ा मजेदार है, मैं आपको बताऊंगी सारे को. हैप्पी. ओके आओ नाउ. कार्डिया फंडस बॉडी एंड फाइलोरस. तो सबसे पहले ये डोम शेप पार्ट क्या कहलाएगा. चलो अब पढ़ लो वरना सच में छोड़ दूंगी मैं पढ़ाना अपना. लाइक बच्चों आ जाओ. ठीक है डोम शेप्ड पार्ट क्या कहलाएगा. फंडस. कार्डियक कौन सा है. ये वाला पार्ट कार्डियक. ठीक है अब उसके बाद ये क्या है. मेन पार्ट बॉडी. और ये एंड का पार्ट क्या है. पाइलोरिक. तो कितने पार्ट दिखे आपको. चलो बेटा चलो. फुल अटेंशन फुल अटेंशन फुल अटेंशन फुल अटेंशन. पिन ड्रॉप साइलेंस. हाउ मेनी पार्ट. द डोम शेप. कितने बच्चों को डकार आता है आपको पता है. जापान में तो अगर आपने किसी के घर खाना खाने गए आप जापानीज के और आपने डकार नहीं मारा तो वो बुरा होता है. और कितना और होता है. सो जब भी आप खाना खाते हो हैव यू गल्प्ड. खाना जल्दी से इनगल्फ कर. तो अलॉन्ग विद स्वॉलोइंग फूड पिन ड्रॉप साइलेंस. अलॉन्ग विद स्वॉलोइंग फूड वी ऑल्सो इनहेल द गैस. वी ऑल्सो. तो यहां पर कौन इकट्ठा हो जाएगा. ये कौन होगा इकट्ठा यहां पर. फंडस में गैस. And this gas comes out, जिसको आप belching या जिसको आप you know you call it in Hindi you call it dakhar gas which comes out. Is that clear everybody. When you eat the food you engulf gas which collects here. So the topmost part is cardiac. Cardiac is the uppermost part which is the topmost region जिसपे आपका esophagus open होता है. उसके बाद होता है fundus which is the dome, गोल गुंबज का dome, जिसके ऊपर गैस इकट्ठी होगी. The main central part is body and the end part which is connected to the duodenum which is the intestine is the pyloric. So how many parts are there. There are 4 parts. Which gas. Normal atmospheric gas. Normal gas. Right. Which you are engulfing. Which you are engulfing. So in the fundus, the dome shaped part, you have the gas. Where it. देखो बेटा इसके अंदर अगर गैस इकट्ठी होगी आप ही बताओगे. इसके अंदर गैस इकट्ठी होगी तो जब ये चर्न होगा थोड़ी देर बाद. जैसे ही चर्न होना शुरू होगा the gas is going to be expelled out. The moment it churns a normal gas and it's going to be expelled out. Gas sunke bada ajeeb lag raha hai na. I know. Pyloric leads to the small opening. What is the small opening called? It's called the pylorus. Where you have a small valve, the valve is called the pyloric sphincter. What did I just now tell you? What kind of valves are sphincter? What kind of muscles? These are circular muscles. Did I tell you just now? Pin drop silence in my class. I'm going to come to a blank slide now. Explain a lot of things. This is a circular one. Now let us understand some extra points with the help of a mind map. Pin drop silence. So, pin drop silence. First, esophagus. Lower esophagus sphincter. Clear hai? Diagram se question aate hai. Esophagus. This is the fundus. This is the cardiac. This is the body. And this is the pyloric. Now, very important. Very, very important. I'm going to tell you a lot of extra things. Pay attention. Okay. So, I'm going to get to a blank slide and do a lot of extra information here. Please pay attention. Here we go to the extra slide. Pin drop silence. Now, my dear children, do you see in the stomach, if it's J-shaped, I want you to see this. This is the stomach which is J-shaped. Now, tell me which, I will give you A and B option. This is an MCQ question. Which has more curve and which has less curve on my screen. Chalo, jaldi se mujhe batao. Which has more curve and which has less curve. Batao. Then we are going to move ahead. Which has more curve and which has less curve. Bataiye please jaldi se Vani ma'am ko. Obviously, ye chota sa curve hai. This is called the lesser curvature. What is this called? This is called the lesser curvature. Main chota sa diagram dobara bana rahi hu so that I will be able to do a lot of extra. Mere sath handmade notes sab banayenge. Theek hai? Chalo aaj isko thoda side mein karte hain. Let's make a beautiful diagram. To mere bachcho,
ये रहा ऐसा और ये रहा ऐसा. सबसे पहले ये है आपका पाइलोरिक, ठीक है, यस मैम करेक्ट. ये रहा आपका डियोडेनम, पाइलोरिक स्फिंक्टर है जी आपका, वो मैं एस लिख रही हूं स्फिंक्टर के लिए. ये रहा आपका जियोडेनम, ठीक है जी. ये रहा आपका लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, ये रहा ईसोफेगस, और ये रहा मेरे बच्चों लेसर कर्वेचर. लेसर कम है ना, कर्व छोटा है, लेसर कर्वेचर. और ये रहा ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है. सबसे पहले तो इस पे आ जाओ. अब मैं मसल्स भी कराऊंगी और ग्लैंड्स भी कराऊंगी. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मसल्स भी कराऊंगी और ग्लैंड्स भी कराऊंगी. अब प्लीज मेरे साथ सिर्फ इस डायग्राम को बनाते चलो. अगली 10 स्लाइड में जो होगा, अगली 10 स्लाइड में जो आएगा वो मैं आपको एक माइंड मैप से करा दूंगी, ठीक है. सिर्फ एक माइंड मैप से करा दूंगी, अंडरस्टूड. अब सबसे पहले मेरे साथ मसल की बात करने लगो, उसके बाद मैं ग्लैंड सब कुछ करवा दूंगी, वो भी सिर्फ एक माइंड मैप से. अमेजिंग. अब आ जाओ आप मसल्स पे. तो ये ऐसा नहीं होता बेटा, ये बहुत थिक होता है, ये इतना मोटा होता है, बहुत मसल्स होती हैं. तो ये बहुत थिक. तो आप आ जाओ मसल्स पे. मसल्स होती है बेटा 3 टाइप्स की, और उनका होता है ऑर्डर. ऑर्डर होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. एल सी ओ, क्या याद रखना है आपने, एल सी ओ. लो चले ऑक्टोपस खाने, ऑक्टोपस. तो लो किस लिए है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, मतलब जो सबसे बाहर की मसल्स होंगी वो इस शेप की होंगी, लॉन्जिट्यूडिनल. फिर मसल होंगी सर्कुलर, मतलब जो मिडल लेयर की मसल्स हैं वो इस शेप की होंगी. और फिर मसल्स होंगी ऑब्लीक, मतलब मसल्स इस शेप की होंगी. दीज आर द 3 मसल्स. इज दैट क्लियर. लो चले ऑक्टोपस, इज दैट क्लियर एवरी सिंगल वन. अब मैं ग्लैंड्स पे आ रही हूं. तो 3 मसल्स मैंने आपको बता दी बेटा, कौन सी मसल है, एल सी ओ. याद हो गया, प्लीज राइट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. लो चले ऑक्टोपस, ये मैंने जब मैं आपकी स्टेज में थी 11th 12th, तब मैंने बनाया था. लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. बेटा अब इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, देखो, मतलब इतना मसल होगा, ये पूरा मसल है, देखो ये पूरा मसल है ये, और इस मसल के अंदर ऐसे ग्लैंड्स हैं, और इनका देखो माउथ बाहर, ये देखो ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स, राइट. इस मसल के अंदर ऐसे ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स. तो ये आपके ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ दी स्टमक. मतलब अब मैं इसको जूम कर रही हूं, ग्लैंड्स ऑफ दी स्टमक. अगले 5-6 पेज में सिर्फ एक माइंड मैप पे बनाकर आपको दूंगी. आप प्लीज इस माइंड मैप को वानी मैम के पीछे पीछे कॉपी करते चलो. तो ये आपके ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक हैं, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक. अब इसी ग्लैंड को, इस ग्लैंड को वानी मैम क्या करने लगी है, जूम जूम करके आपको दिखाएंगे असली में माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा. तो इस ग्लैंड को जब आप जूम करोगे, ये ग्लैंड, एक ग्लैंड ऐसा दिखेगा देखो, और ये ग्लैंड के सेल्स हैं, ये नेक पे हैं, फिर नीचे जाएंगे, ये देखो. तो जब आपको ऐसा नजर आता है, बुक में नहीं बताया होता, इट इज नॉट मेंशन इन द बुक, पर जब आपको बुक में ऐसा दिख रहा है तो अब आपको समझ में आया उसकी पोजिशन कहां पे होगी. जो भी ये बुक में बनाया होता है, बुक में ऐसा डायग्राम बना होता है. सारे मेरे बच्चों को हार्ट्स बना दो बस वानी मैम के स्क्रीन के लिए, ताकि मुझे दिख जाए कि मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया. तो जब बुक में आपको ऐसा ग्लैंड होता है तो आपको समझ में आया उस ग्लैंड की पोजीशन कहां पर है, मेरे को बता दो, ताकि आई वांट टू सी दिस प्लीज, राइट. मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया ग्लैंड. तो उस ग्लैंड की पोजीशन देखो टेढ़ी है, और कैसे जाकर फिर वो असली में वो ग्लैंड कैसे होता है, उसमें कितने सेल्स हैं, दिखाई दे गया मेरे बच्चों को, एवरीबडी, सारे बच्चे, ठीक है. इस ग्लैंड में, अब ये ऐसे एपिक स्टमक है, ऐसे बाहर तक इसमें सेल्स लगे होते हैं, ये स्टमक है. तो बेटा सबसे ऊपर के जो सेल्स हैं, अब इस सेल को मैं मॉडिफाई करती हूं. देखो ये रहा ग्लास, अब मैं स्पेशली ग्लास लेकर आई हूं. ग्लास दिख रहा है सबको, ये देखो इस ग्लास की शेप देखो, दिख रहा है पानी का ग्लास, इसलिए पानी डाल के आई गॉट इट. अब सबसे बाहर के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे. अब होता क्या है कि ये सेल मॉडिफाई हो जाता है, ऐसा दिखने लगता है, ऐसा,
ऐसा। तो ये कैसा दिख रहा है? गॉबलेट की तरह, गॉबलेट। और ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस। देखो बेटा, अंग्रेजों ने नेमिंग की थी, अंग्रेजों ने, और अंग्रेज थोड़ा वाइन वगैरह पीते होंगे तो इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया? गॉबलेट। क्या नाम दे दिया? गॉबलेट। तो जो सबसे ऊपर के सेल्स हैं ये मॉडिफाई होकर बन जाते हैं गॉबलेट सेल्स, और गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस क्योंकि ये स्टमक में होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये गॉबलेट बदले में प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द अटैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन। सो दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करेगा बेटा जी? प्रोडक्शन करेगा आपके म्यूकस की। इनको हम सरफेस म्यूकस सेल भी कहते हैं, इनको म्यूकस सेल कहते हैं। ये हमेशा बाइकार्बोनेट भी बनाते हैं। अब क्या आपने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा है कि बाइकार्बोनेट एसिड पे अटैक करता है? पढ़ा है ना आपने? ठीक है, ये सरफेस म्यूकस सेल है, ऊपर है ना सरफेस। इसके बाद अब आप आगे पढ़ोगे ना, आज जाके अपने ट्रूमैन एलिमेंट्री पढ़ना, बड़ी बड़ी किताबें, समझ में नहीं आएगा। वहां पे आप एक वर्ड पढ़ोगे, म्यूकस नेक सेल। कौन सा वर्ड पढ़ोगे बता दो मुझे? म्यूकस नेक मतलब गर्दन पे म्यूकस। ये गर्दन होगी ना ग्लैंड की, ये नेक हो गया ग्लैंड का। देखो नेक, नेक, तो म्यूकस नेक सेल्स। ये नेक सेल्स है जो अगेन गॉबलेट बन जाते हैं और म्यूकस सिक्रीट करने लगते हैं। म्यूकस नेक सेल्स, कौन से सेल्स? म्यूकस नेक सेल्स। इज दैट क्लियर? इसके नीचे आएंगे आपके पेराइटल सेल। पेराइटल, पेराइटल सेल्स का एक और नाम होता है ऑग्जेंटिक। ऑग्जेंटिक, इसमें मैंने कैसे याद रखा था उस टाइम पे, मेरा फेवरेट सीरियल पता है कौन सा? आज तक टॉम एंड जेरी, उस वक्त पोपाई, पोपाई द सेलर मैन, टोनो। यस, मेरा फेवरेट है पोपाई द सेलर मैन। कितने बच्चों को पोपाई पसंद है? तो ये पेराइटल ऑग्जेंटिक पोपाई, पीओ पोपाई, राइट। ये सिक्रीट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर भी करेगा, मैं उस पर आऊंगी। डन, इज दैट क्लियर? अरे मैं कहीं नहीं जा रही यशी, मैं कहीं नहीं जा रही, पर एक चीज मेरे दिल को चुभ गई है तो वो मैं आपको बताने वाली हूं। डन, पोपाई द सेलर मैन, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे और लास्ट में होंगे चीफ। इसका एग्जांपल देखो बेटा, चीफ कौन होता है? मेन मेन पर्सन को चीफ कहते हैं। वंशी सर इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। पुलकित सर इज चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ मेन चीफ। तो चीफ, स्टमक का मेन काम क्या है? स्टमक का मेन काम बताओ चलो मुझे। मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में, स्टमक का चीफ काम क्या है? चीफ काम क्या है बताओ? प्रोटीन डाइजेशन है ना जतिन? इज दैट क्लियर? राइट बेटा, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा जतिन। तो चीफ काम क्या है बेटा? प्रोटीन डाइजेस्ट करना, और प्रोटीन डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, जिसको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करेंगे जाइमोजेन के फॉर्म में, मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप मेरे से ये चार पांच मेन चीजें समझो चलो। यस, सबसे पहले गॉबलेट सेल जो सरफेस पे है, दूसरा म्यूकस सेल्स जो नेक पे है, तीसरा पेराइटल सेल्स और ऑग्जेंटिक सेल्स, पोपाई 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 बहुत क्वेश्चन आएगा, एंड चौथा आपका चीफ सेल्स जो मेन चीफ काम करेंगे, मेन काम करेंगे। एक चीज रह गई है, कौन बताएगा? एक छोटी सी चीज रह गई, क्या है? एक छोटी सी चीज रह गई, बताओ कौन बताएगा? कोई एक तो बताएगा, कोई एक तो बताएगा मुझे, कोई तो बच्चा बताएगा किसी। एक्सलेंट, जीआई सेल। कहीं पे बीच में होंगे आपके जीआई, एंटेरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सेल्स, जीआई। बहुत मेरे प्यारे बच्चे, वेरी वेल डन। एंटीरो एंडोक्राइन, एंटेरिक होता है मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटीरो एंडोक्राइन जीआई सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन जीआई, जीआई ये सिक्रीट करते हैं आपके लिए। क्या सिक्रीट करेंगे मेरे बच्चों? गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन। Is this clear? Right? क्या ये mind map आपके दिमाग में बैठ जाएगा? सच्ची बता दो। Chief cells बता दिया, parietal cell बता दिया, G cells बता दिया, gastrin, parietal बता दिया, mucus neck बता दिया, surface mucus। और ये क्या कहलाता है? Pit, gastric pit, gastric
पिट खड्डा, ये सब अपना सिक्रीशन इधर डालेंगे ऐसे, ये सब अपना सिक्रीशन इधर और इधर से बाहर, डन। अब समझ आया, हार्ट्स बना दो, कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए, हार्ट्स बना दो मेरी स्क्रीन पे, तो फील आ जानी चाहिए, हार्ट्स। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है टेंथ और इलेवेंथ में, इसलिए कह रहे हो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है टेंथ और इलेवेंथ में, यस। बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, यस। ऑल मेरे बच्चे सेंटी हो गए, आइसक्रीम खिला देती हूँ, कोरोना ना हो जाए भाई, आइसक्रीम आइसक्रीम से दूर ही रहो, समोसे खिला देती हूँ, चलो डन। पर आप आना जरूर सैटरडे को यार, जिस बात पे मैं सेंटी हुई हूँ आप तो बहुत सेंटी होने वाले हो, ठीक है ठीक है, चले। पेरिटोनियल सेरिटोनियल सब समझा दूंगी, ये सब समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर ले, ईसोफेगस लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, डियोडेनम, ये स्टमक है, लेसर कर्व ग्रेटर कर्व, लेसर कर्व ग्रेटर कर्व, कितनी मसल है, तीन, क्या बताया, लो चले ऑक्टोपस, क्या बताया, लो चले ऑक्टोपस, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर एंड ऑब्लिक, तीन, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर एंड ऑब्लिक। फिर किस पे आ जाओ, ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक पे, ग्लैंड कैसे लगे होते हैं आपको दिखा दिया, राइट, इनको मैंने आपको जूम करके दे दिया, जूम कर दिया ग्लैंड को दिखा दिया, राइट। तो ये आपका क्या है, गैस्ट्रिक पिट खड्डा, पिट और सारे सेल्स इनमें सिक्रीशन डाल रहे हैं, सबसे ऊपर सरफेस गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस करेंगे, म्यूकस नेक्स्ट सेल्स जो दोबारा म्यूकस बनाएंगे, गॉबलेट मॉडिफाई हो जाएंगे, पेराइटल ऑक्सेंटिक पोपई द सेलमैन टुडू पीओ चीफ सेल्स पेप्सिन, राइट, गॉबलेट सेल की मॉडिफिकेशन बता दी, और लास्ट जीआई सेल और एंटर एंडोक्राइन सेल्स जो गैस्ट्रिक बनाते हैं, यस। सो चले आगे बेटा, एक सेल होता है उसको कहते हैं जीआई सेल, एक सेल है वो गैस्ट्रिन बनाता है जो हार्मोन है, मैं आऊंगी इसके एक्सप्लेनेशन पे अभी, ठीक है, डन। कर दो डिलीट, स्नैपशॉट ले लिया मेरे बच्चों ने, स्टडी गर्ल समझ में आ गया, इज दैट क्लियर मैम, आर यू टीचिंग फॉर 12th, फॉर दोज हु हैव एंटर्ड 11th फ्रॉम 10th, हां जी अथर्व, दिस क्लास इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट एंटर्ड क्लास 11th फ्रॉम क्लास 12th, right, daily 5 PM I take a session for those students who come from class 10th to class 11th. चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टमक पे, ये मैंने पढ़ा दिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया, अब आ जाओ, अब मैंने आपको स्फिंक्टर बता दिया, कार्डियक पे भी स्फिंक्टर है और पाइलोरिक पे भी स्फिंक्टर है, तो ऊपर वाला स्फिंक्टर है कार्डियक स्फिंक्टर, नीचे वाला स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर, अभी तक की सेशन VLOP है, वेदांतु लर्निंग ओपी, दिस इज VLOP, मतलब वेदांतु में मजा आ जाता है पढ़कर, राइट, अभी तक का ओपी सेशन है डन, मेरे बायोटोनियंस तो ओपी है, नो डाउट्स अबाउट इट, यस। सो अर्जेंटिफिन सेल्स पे आने वाली हूँ बेटा, आई एम कमिंग टू देम, अब हम एक बार रिवाइज करेंगे फिर देखना आपको कितना फील आएगा, अर्जेंटिफिन सेल्स सब पे आने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब बताओ ये डायग्राम देखकर, जब आपने एक बार पढ़ लिया, हैंडमेड नोट से समझ लिया, हाइब्रिड मॉडल मतलब आप क्लास में मेरे नोट से पढ़ोगे, आप क्लास में NCERT से पढ़ोगे, आप क्लास में वानी मैम के स्लाइड से पढ़ोगे, तो अब आपको समझ में आ रहा है, यस। किसी भी एंटीरो एंडोक्राइन सेल का दूसरा नाम अर्जेंटिफिन सेल्स होता है, ठीक है। अब देखो क्या आपको तीनों मसल लेयर दिख गई, थ्री लेयर्स दिख गई, अब आप देखो इसको मैंने कैसे बनाया है, लॉन्जिट्यूडिनल देख लो कितने प्यार से समझ में आएगा, सर्कुलर देख लो खुद ही देखो, ऑब्लिक, ठीक है, लेसर ग्रेटर, ठीक है। अब अगर कहीं पे गैस्ट्रिक पिट लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, पिट गैस्ट्रिक पिट, वाणी मैम ने समझा दिया आपको गैस्ट्रिक पिट, फिर ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे, तो बेटा अगर आपने मान लो कोई आपको एसिड चाहिए, ओपी का मतलब होता है ओवर पावर लाइक सुपर अमेजिंग, अगर आप एसिड चाहिए आपको, अगर एक तरफ आपको पानी लेना है और एक तरफ एसिड लेना है, पानी तो आप हाथ में ले लोगे, किसी के मुंह पे ऐसे डालना है, एसिड भी हाथ में ले लोगे, लाओ जी एसिड भी हाथ में डाल दो, दे दो, एसिड विल ऑलवेज बी इन बॉटल, सो दिस पेप्सिन इज गोइंग टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, ये स्टमक को भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, दैट मींस इट कैन इवन डाइजेस्ट स्टमक, ये स्टमक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इट कैन डाइजेस्ट द स्टमक, इज दैट क्लियर काश्वी, राइट। इसीलिए हमेशा पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स को हम हमेशा
जाइमोजेन कहते हैं, पेप्सिनोजेन, जाइमोजेन इनएक्टिव फॉर्म में, अगर वो एक्टिव हुआ तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा. एंड ये जो पेप्सिन बना है ये पेप्सिनोजेन से बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम पेप्सिनोजेन. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक चीज मैं कर रही हूं, आई एम ओपनिंग अ ब्लैंक स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस. प्लीज मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, तो मैं इसी पे आ जाती हूँ, यहीं से समझ लेते हैं. प्लीज ध्यान से सुनिए बेटा. देखिए सबसे पहले पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाने के लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है. स्टेप नंबर वन, सबसे पहले यू रिक्वायर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है पेप्सिनोजेन, जो कि आपका जाइमोजेन है. जाइमोजेन का मतलब क्या होता है, जो कि आपके लिए इनएक्टिव है. जैसे प्रो रेनिन इनएक्टिव है, रेनिन बनेगा उससे, राइट एवरीबॉडी. और ये पेप्सिन क्या होता है बेटा जी, इज एक्टिव. उसके बाद खुद पेप्सिनोजेन, जब एक बार पेप्सिन बन गया तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाना सीधा पेप्सिन भी कर सकता है. इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो का मतलब होता है सेल्फ कैटालिटिक, ऑटो कैटालिटिक. आया समझ में, अपने आप हो जाएगा ऑटो कैटालिटिक. इज दैट क्लियर? अरे यशु मेरे बच्चे, सो थैंक यू सो मच. समझ में आ गया, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन ऑटो कैटालिटिक. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ऑटो अपने आप हो रहा है, कैटालिटिक कन्वर्ट हो रहा है, ऑटो कैटालिटिक. लिख लो इसको प्लीज 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 लिख लो. सो पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बन जाएगा. पेप्सिन एक प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक है, प्रोटीन को तोड़ती है. प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक तोड़ दो, लाइटिक प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है, सारे प्रोटीन्स को तोड़ देती है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट कौन करता है, कौन करता है? पोपाई द सेलर मैन, पोपाई पेराइटल, जिनका दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल. बेटा प्रोटीन जब आएगा, ये जो भी प्रोटीन आएगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. प्रोटीन को ब्रेक डाउन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. पहले थोड़ा सा तोड़ेगा ताकि एंजाइम काम तो करे. पालक कच्चा तो खा नहीं सकते, उबालेंगे ना, फिर पनीर में डालेंगे, पालक पनीर बनाएंगे, राइट? तो प्रोटीन को तोड़ेगा और पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा. तो कितने काम हुए, कितने काम हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? दो, एक पेप्सिन को काम करना और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा. कितने काम हुए? दो काम, राइट? दो काम बेटा जी. बफर नहीं हो रहा है बच्चों, बफर नहीं हो रहा है. काला गोला गैंग, रुद्र प्रताप सिंह, नहीं बफर हो रहा बेटा. अरे नहीं बफर हो रहा. काला गोला गैंग मेंबर्स, इमल्सिफिकेशन कहीं और होता है. अरे काला गोला गैंग मेंबर्स, काला गोला गैंग, इतना डर तो मुझे किसी चीज से नहीं लगता है जितना काला गोला गैंग मेंबर से लगता है. काला गोला गैंग मेंबर्स भाई, अलग ही काला गोला गैंग मेंबर्स है. हेलो, यस, इतना डर मुझे कोरोना से नहीं लगता है जितना काला गोला गैंग मेंबर से लगता है. काला गोला, काला गोला, काला गोला गैंग मेंबर्स हो रहा था भाई, बफर ही हो रहा था, कोई एटॉमिक बॉम्ब थोड़ी ना गिरा था. है तुम तो ऐसे करते हो, पता नहीं क्या ही हो गया है. अजब ही है यार. यस, मतलब कल एक बहुत, देखो कितना कितना अच्छा होता है ना, कई बार इतनी इतनी सैड टाइम पे भी कई लोग कितनी हंसी वाली बात कर जाते हैं. तो एक चिंदवाड़ा करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, एक पेशेंट एडमिटेड होगा कोरोना के लिए. तो ऊपर पंखा चल रहा था और वो पंखा झूल रहा था. यू मस्ट गो टू द इंटरनेट एंड सी दिस वीडियो, इट्स ब्यूटीफुल. तो वो आदमी ट्वीट करता है कि मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, मुझे इस पंखे से डर लग रहा है. डिड यू सी दैट?
यस, कहता मुझे कोरोना से डर नहीं लग रहा है साहब, मुझे इस पंखे से डर लग रहा है कि कोरोना से तो मैं बच जाऊंगा पर अगर ये रात को पंखा मेरे सर पे गिर गया तो मैं गया काम से। तो देखो कितने दुखद समय में भी मुझे लगता है हास्य एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को अपनी गहराई ऑफ दुख से भी बाहर निकाल सकती है। मैंने देखा मुझे बहुत एक तरह का, और फिर मैंने कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर्स को भंगड़ा करते हुए देखा, पेशेंट्स को भी अच्छा फील करा रही थी। तो मैं भी वैसे ही कहना चाहती हूँ, मुझे भी सच में कोरोना से डर नहीं लगता है। काला गोला देख के तो मुझे लगता है हाय राम, गए काम से। काला गोला गैंग मेंबर्स की वापसी हो गई। यस, चलिए स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, स्टोरी भी सुनेंगे, मेंटी भी करेंगे, है ना। ये एक बार गैस्ट्रिक ग्लैंड्स खत्म कर दें फिर चलते हैं आगे, फिर मेंटी भी करेंगे, स्टोरी भी करेंगे। चलिए, म्यूकस। तो मैंने आपको सरफेस म्यूकस, नेक म्यूकस, पैराइटल चीफ, देखो ये सब बता दिया जी सेल, राइट। तो म्यूकस कौन सीक्रेट करता है? म्यूकस सेल। विस्कस का मतलब होता है जो फ्लो ना करे, विच डज नॉट फ्लो। एल्कलाई मैंने आपको सबसे पहले बताया था, HCO3 प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है चीज जो पैराइटल सेल्स सीक्रेट करते हैं, पोपई द सेलर मैन। और इंट्रिंसिक फैक्टर जिसका पूरा नाम होता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर? कैसल्स। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर MBBS के बच्चे की बहुत अमेजिंग कहानी सुनाने वाली हूँ, सो प्लीज शांत रहिएगा, बहुत मजा आएगा, उसके बाद मेंटी करेंगे, बहुत फील आने वाली है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में, और विटामिन B12 हमें आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और अगर आयरन नहीं होगा, B12 नहीं होगा, तो उस आदमी को परनीशियस एनीमिया हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, पर स्मॉल इंटेस्टाइन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जल्दी से, बहुत मजेदार कहानी, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है मेरे बच्चों? राइट एवरीबॉडी, डन? चलो, तो हम, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी आज क्लास में डिटेल में, क्लास VLOP थी, अभी हम फटाफट से चलते हैं, मैं फिर इंटेस्टाइन पे आऊंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कर ली, फिर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने वाली, मैं फटाफट से आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर हम थोड़ा सा मेंटी भी करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो बेटा जब भी कोई MBBS में जाता है तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत मजा आने वाला है आपको, मतलब फील आने वाली है यार। तो मान लीजिए ये एक टेबल है, और राइट इस टेबल पे बोन्स पड़ी हुई है, जैसे स्कल बोन होती है, थायराइड बोन, हायोइड बोन, लाइक हायोइड बोन, लिम बोन्स, रेडियस अल्ना वगैरह ये सब। और यहां पे बैठे हुए हैं टीचर, टीचर को ऐसे बना देते, थोड़ा डेंजरस होते हैं ना टीचर हमेशा, ठीक है। और यहां बैठा हुआ है स्टूडेंट वाइवा देने के लिए, ठीक है। और उतने में बहुत 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 अमेजिंग स्टोरी है, ठीक है। तो उतने में एक अटेंडेंट आता है, और ये कब की स्टोरी है? बहुत अमेजिंग स्टोरी है, ये है फर्स्ट ईयर फाइनल, एक सब्जेक्ट होता है अनाटमी, आप सब डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए, अनाटमी का वाइवा चल रहा है, फर्स्ट ईयर फाइनल अनाटमी का वाइवा चल रहा है, राइट। तो वाइवा में एक चीज होती है जिसको कहा जाता है बोन आइडेंटिफिकेशन। क्या कहा जाता है? कि बोन बोलता है एग्जामिनर, बोन उठाओ, बोन आइडेंटिफिकेशन, और बोन आइडेंटिफाई करके उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके बोन को उठाना पड़ता है, बोन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उस पे क्वेश्चंस होते हैं। स्नेहा आई विल टीच यू, डोंट वरी। तो ये एग्जामिनर, और उतने में एक अटेंडेंट आता है, अटेंडेंट इस एग्जामिनर का नाम है एक्सटर्नल, आपके 11 12th में भी होता होगा, 10th में एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये कौन है जी? एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो उतने में अटेंडेंट आता है, और यहां सारी बोन्स पड़ी हुई है, ठीक है, ये बोन्स पड़ी है, बोन्स, ये बोन्स है सारी, इनको उठाना है। तो उतने में अटेंडेंट आता है, और अटेंडेंट आकर एक कप चाय का, और साथ में बिस्किट रखकर चला जाता है। तो ये क्या रख के चला जाता है अटेंडेंट? टी एंड बिस्किट, एग्जामिनर के लिए ऑब्वियसली, बच्चे को थोड़ा ना कोई देगा, एग्जामिनर के लिए टी और बिस्किट रख के चला जाता है। अब कहानी, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया पूरा, फर्स्ट ईयर का फाइनल अनाटमी का वाइवा चल रहा है, बोन्स आइडेंटिफाई करनी है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बोन्स पड़ी है, स्टूडेंट है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, अटेंडेंट आके चाय और बिस्किट रख के चला गया, डन।
आया फील आई. अब होता क्या, एग्जामिनर बार बार इस बच्चे को बोलता है पिक वन. क्या बोलता है बच्चे को बताओ मुझे डायलॉग बॉक्स में लिख के, क्या बोलता है बच्चे को? पिक वन. क्या बोलता है बच्चे को? पिक वन. तो बच्चे को लगता है ये एग्जामिनर क्या बोल रहा है पिक वन. बोन्स उठा ताकि तू आइडेंटिफाई कर और मैं क्वेश्चन पूछू. बच्चा है ये तो बेचारा, इसके मन में ये चल रहा होता है, एग्जामिनर के मन में ये कहानी देख रहे हो. तो बच्चा कहता है नो सर नो, कहता आई एम टेलिंग यू नो पिक वन. नो सर नो नो इट्स ओके सर. अरे आई एम टेलिंग यू पिक वन. बच्चा बिस्किट उठाता है, चाय में डुबोता है, खा लेता है. यस, एग्जामिनर ने स्पेसिफाई थोड़ी ना किया कि बिस्किट है या बोन. बच्चा बिस्किट उठाता है, चाय में डुबोता है, खा लेता है. और नो पॉइंट फॉर गेटिंग, बच्चा गेट्स जीरो मार्क्स इन वाइवा रिपीट द थिंग राइट. So yeah, but this happened with one of my classmates. We also have anatomy subject, but I don't want to publicly name. But yeah, like pick one, duboya, मजे से और खा लिया. और वो ही नहीं रगड़ा गया बेचारा. इसके बाद वो पूरा बैच जो था 5-10 बच्चों का, जिसका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर था, सबका बैंड बजा. बोन्स तो क्या ही उठाता, बच्चे ने मजे से बिस्किट उठाया. बिस्किट उठाने तक भी ठीक था. इमेजिन बिस्किट भी उठाने तक ठीक था, बच्चे ने वो बिस्किट चाय में डुबोया. इमेजिन करो अगर वो बिस्किट टूट गया होता, जैसे सारे बिस्किट टूट जाते हैं चाय में डुबोते, बिस्किट टूट गया तो बच्चा सोचो सॉरी बिस्किट टूट गया, एक और बिस्किट उठाया, चाय में डुबोया और खा लिया. यस, ओपी मींस ओपी. आई फील लाइक दिस इज लेजिट लिट. या गाइस आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, पिक वन बोले तो एक हड्डी उठानी है राइट, ना कि बिस्किट चाय में डुबो और खा लो. So this is about it guys. Make sure that you are studying. And especially I hope and I pray you're studying physics and chemistry. Give me 1 minute before we come to small intestine. I really want to show you something super awesome. Right? Aaj ki class mujhe to bahut feel aayi. So I think this is for you. Hum menti mein chalte hain. But guys, please make sure. This is my request to you. Agar aapne MBBS karna hai, aise anatomy labs mein jana hai. Ye physics chemistry ke bina nahi hoga guys. This will not happen without physics and chemistry. Trust me. Physics chemistry ke bina nahi ho paega. Bilkul nahi ho paega. Pancreas ki story bhi sunati hu. Ruk jao, pancreas aane to do. Small intestine ke baad liver pancreas. I will come to that also. बट ये नहीं होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बिना. कैन यू जस्ट लुक, हम अपना कंटेंट लॉन्ग टर्म के बच्चों को कैसे देखें, एक बार देखो बस, जस्ट लुक एट इट. बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ो जिस टाइप का कंटेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ राइट. ओके, तो मैं दोबारा लोड कर देती हूँ. बट गाइज प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग. ऐसे ही पढ़िए, स्टडी विद अस राइट. आपको मैं दिखाती हूँ इसका कंटेंट और आप इतने हैरान रह जाओगे कि यार ऐसा भी बन सकता है क्या, कैसे हुआ होगा ये, हाउ एग्जैक्टली ऐसा किया होगा. आप देखिए हर एक पेज पे मैंने QR कोड दिया है लॉग, हर एक पेज पे. प्लीज फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे पढ़ लो. जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया, जो केमिस्ट्री का टॉपिक समझ में नहीं आया, जो उस QR कोड को सिर्फ स्कैन करो और सीधा आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा. गाइज दिस इज सुपर अमेजिंग. प्लीज टेक द प्रो मेंबरशिप. आपके प्रो मेंबरशिप पे आपको इतने सारे कोर्सेज, आप देखो ये सारे कोर्सेज आपको माइक्रो कोर्सेज के फॉर्म पे फ्री में मिलेंगे अगर आपके पास प्रो मेंबरशिप है. ऑल ऑफ दीज कोर्सेज ये खत्म ही नहीं होंगे. आप इसको कितनी मर्जी बार ऊपर कर लो, दे आर नॉट गोइंग टू गेट ओवर. कितनी, दे आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज. एवरी प्रो मेंबरशिप स्टूडेंट विल नॉट हैव टू पे इवन 1 रुपी. एक एक टॉपिक के मेरा वचन है आपसे 100-100 माइक्रो कोर्स मिलेंगे गाइज, लाइव माइक्रो कोर्स. पढ़ते चले जाओ, लुक एट दिस. आप अपना रैंक इंप्रूव करो. प्लीज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो यार. मैं ये नहीं कह रही हूं वेदांतों से पढ़ो, अंडर नो सर्कमस्टेंस आई एम सेइंग वेदांतों से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जिस पे आपको विश्वास है, जो आपको ये सारी फैसिलिटीज दे सकता है, कोई भी हो, YouTube पे ही पढ़ो. बट फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पढ़ना शुरू कर दो. 11th वाले बच्चे जिनका रैंक आएगा वो शुरू कर चुके हैं. ये देखिए टेस्ट,
एनालाइज करिए, देखिए कौन सा टॉपिक वीक है, टॉपिक वाइज एनालाइज कीजिए, आपके मार्क्स बच्चों के मार्क्स से कंपेयर कीजिए, क्लास की एवरेज से कंपेयर कीजिए, फिर देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हो इस पूरे में। ऐसे नोट्स क्लास के लाइए, राइट, क्लास में लीडर बोर्ड्स वाले क्विजेस कीजिए, क्लास में ऐसे अच्छे से पढ़ो, डाउट्स पूछो, ये सारी चीजें, एनिमल किंगडम भी मैं पढ़ाऊंगी अभी आपको जैसे, राइट, बायो आप टेंशन मत लो, आई एम देयर, आपको एक लाइन भी कहीं से नहीं पढ़नी पड़ेगी, आई एम देयर, बट फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। शुरू किया आपने कि नहीं किया? कर दिया ना शुरू थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, मैं एंटी पे आ रही हूं बच्चों, राइट। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, देखो ऐसा स्केड्यूल बनेगा, आप कितने टेस्ट दे सकते हो, प्लीज पढ़ दो, फिर किसका वेट कर रहे हो यार गाइस, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे दो कहीं से भी। मैं ये नहीं कह रही यहां पढ़ो, शुरू तो कर दो, पढ़ना तो शुरू करो, किताबें तो ऑर्डर करो, एचसी वर्मा तो मंगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मंगाओ, एनसीईआरटी तो मंगाओ, डाउनलोड करो, पढ़ना तो शुरू करो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है आपको, आपको लगता है मुझसे अकेले शायद फिजिक्स केमिस्ट्री ना हो पाए, अगर आपको लगता है तो यहां पर आ जाओ, आई वुड एडवाइस कि आप सिर्फ एक महीने का ट्रायल लो, दैट्स ऑल। और गाइस ये देखो क्लास के नीचे डीपीपी पेपर्स, मैं कल डिस्कस करूंगी आपके डीपीपीज, बस अभी मैं मेंटी पे आ रही हूं, देखो ये आपके सारे डीपीपी पेपर्स। और गाइस वहीं पर ये रहा प्रो मेंबरशिप, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड इफ इट सूट्स योर फाइनेंसेस, इफ इट सूट्स योर बजट, इफ यू कैन अफोर्ड इट, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर वन मंथ, राइट। 20 lectures, 20 hours ऑफ लेक्चर्स एवरी वीक, क्लास टीचर, पर्सनल टीचर, स्टूडेंट अकाउंट मेंटर, आफ्टर क्लास डाउट्स, टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव डाउट्स, मैं आपको कल दिखाऊंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव डाउट्स टीचर्स देते हैं, लाइव डाउट, ये सारी फैसिलिटीज हैं, टेस्ट, एनालिसिस, आफ्टर क्लास असाइनमेंट्स, राइट। आइए मेंटी पे प्लीज, एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जैसे हम बायो पढ़ रहे हैं, यू हैव टू स्टडी। 8829757578, मुझे लगता है हम सिर्फ दो क्वेश्चन कर पाएंगे, बिकॉज स्मॉल अंडरस्टैंड के क्वेश्चन शायद ना हो पाए, देखते हैं। चलिए तो ऐसे menti.com पे आओ, यहां से सिर्फ कोड कॉपी करो, 8829, ओके प्रेजेंट कर लेते हैं, तो देखिए आपका कोड है 8829, ये देखिए इसको कॉपी कीजिए, 8829757578, मतलब कॉपी का मतलब क्या हुआ आपके लिए कि आपने इसको लिख देना है यहां पर, ठीक है, menti.com खोल के और सबमिट कर दीजिए, दैट्स ऑल। चलिए जल्दी आ जाओ, ठीक है, आइए जल्दी। गेमिंग चैनल पबजी, अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो पबजी खेलना तो छोड़ना पड़ेगा ना, नीट और पबजी साथ साथ नहीं चलेगा। चलो क्या सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्या सारे बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं, ठीक है, menti.com अनुप्रिया एक और विंडो पे आइए, एक और विंडो पे देखते हैं। सॉरी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, म्यूकोसल लेयर इन द स्टमक फॉर्म इररेगुलर फोल्ड्स, जो स्टमक के फोल्ड से हमको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से स्टमक का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, स्टमक के फोल्ड्स को क्या कहते हैं जिसकी वजह से स्टमक का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, स्पेशली मैंने डिस्कस करना था ओनली इन द फॉर्म ऑफ menti, आज मैंने menti बहुत डिफिकल्ट बनाया है, तो इनको ये जो फोल्ड होते हैं ना आपके, ये फोल्ड्स, ये फोल्ड्स, इन्हें कहा जाता है रूगे, क्या कहा जाता है रूगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोल्ड्स, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, दे आर रेफर टू एज रूगे, डन एवरीबॉडी, चले आगे, सो वी डू वन मोर क्वेश्चन, बट आई फील दैट दीज क्वेश्चंस वी विल बी एबल टू पिक देम अप टुमारो, आई फील दैट बिकॉज वी हैवंट रियली डन, प्लीज राइट डाउन योर नेम्स, वी हैवंट डन स्मॉल इंटरेस्टिंग, सो वी माइट हैव टू पिक अप दीज क्वेश्चंस इन टुमारोस क्लास, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर टू, आप ये देखिए मैं 10-10 क्लासेस लेकर आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कराऊंगी गाइज, ओह वी हैव नॉट डन दिस, ओके सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू डू दिस टुमारो,
cancel. We're going to do this tomorrow because हमने कभी तक किया ही नहीं है ये. So can we continue from here tomorrow, please? We haven't done secretin. We've only done gastrin. Can we continue tomorrow? So tomorrow I'll do this intestine. I will do the liver and I will do the pancreas and it's going to be epic, semi epic class. Done. Promise. Okie dokie. Yes. Perfecto. I have a homework for you. Before you go, I have a homework. 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 You have to tell me a bacteria. ध्यान से सुनो. एक bacteria. जो स्टमक में एसिड बनाता है. तो जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस या एसिड होता है वो बैक्टीरिया का नाम मुझे बताओ. इट इज एम्स 2018 क्वेश्चन. बता दोगे पक्का? स्टीव जॉब्स की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी कल. डोंट फॉरगेट, बहुत अमेजिंग कहानी है. पैंक्रियास की कहानी है कल जब मैं इंटेस्टाइन लिवर गॉल बैडर पैंक्रियास कर. ठीक है, यस, गलत है. लैक्टोरिया लैक्टोरिया इकोलाई अमीबा नहीं है. मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दो. आई विल सी हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर. बाय. होमवर्क फॉर टुडे, यू टेल मी विच वन. एंड डोंट फॉरगेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. कहीं से भी करो पर करो. कल शाम को 5 बजे रेस्ट ऑफ यू. आज शाम को 9 बजे फॉर डीपीपी डिस्कशन. डीपीपी प्लीज सॉल्व करना. बाय गाइज. बाय. Don't forget to become a part of WeBiotonic. Bye, guys.